डिंडौरी में सैकड़ों ग्रामीण अपने बच्चों को साथ लेकर सीएम शिवराज से मिलने पैदल ही निकल पड़े हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में स्वीकृत सीएम राइज स्कूल का अधिकारियों की मनमानी की वजह से दूसरे गांव में निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत सभी अधिकारियों और जिला कलेक्टर से की, लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं होने के कारण वह अब सीएम के सामने अपनी मांग रखेंगे। प्रशासन की लापरवाही की खबरें अक्सर सामने आती हैं, जिससे आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक मामला समनापुर के खुड़िया गांव से सामने आया है, जहां के ग्रामीणों ने जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि पहले उनके गांव के लिए भोपाल से सीएम राइज स्कूल की स्वीकृति मिली थी, जिससे अभी लोग उत्साहित भी थे। ग्रामीणों को लगा कि उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बन जाएगा, जिससे गाँव के बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी के कारण स्कूल को दूसरी जगह बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से भी की, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हुआ। अब ग्रामीण और छात्र छात्राएं इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने के लिए पैदल ही भोपाल के लिए निकल पड़े। ये सब सीएम के सामने अपने गांव में सीएम राइज स्कूल खोलने की मांग करेंगे। सीएम राइज स्कूल खुड़िया में खुलना चाहिए, मानपुर और नदी के किनारे, और नदी बाढ़ भी आ सकता है, इसलिए सीएम राइज स्कूल के बच्चे मतलब बाढ़ में बह भी सकते हैं, इसलिए सीएम राइज स्कूल को खुड़िया में बनाना चाहिए। खुड़िया से भोपाल जा रहे हैं पैदल, 500 किलोमीटर लगभग चले जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, सामूहिक निर्णय है। पालक लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं जाना है स्कूल, नहीं पढ़ना है हमको। स्कूल राइज से नहीं बन रहा है, मानपुर से बनना चाहिए, हमारे बनना खुड़िया में बनना चाहिए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं हो, हम नहीं पढ़ेंगे। बस हमारी मांग यही है कि जो हमारे ग्राम खुड़िया में सीएम राइज विद्यालय का स्वीकृति हुई थी, उसको किन्हीं कारणों बस पता नहीं, किसी की साठ गांठ है, क्या मंत्रणा है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे ग्राम में बनना था वहाँ ना बनके और हमारे से दूर ग्राम बिलासर और मानपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि वो हमारे विकास खंड के अंतर्गत भी नहीं आता, और ऐसे जगह में हमारे विद्यालय को बनाया जा रहा है। हमारा विद्यालय कम से कम 100 वर्ष पुराना विद्यालय है, जो यथावत स्थिति में बनना चाहिए, हमारी यही मांग है, और इसीलिए बच्चे हड़ताल करते हुए और पद यात्रा लेके भोपाल जा रहे हैं। जी हमने जिला प्रशासन में भी बहुत गुहार लगाया, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। हाँ, परेशान होकर के जा रहे हैं, और भी बच्चे आ रहे हैं पीछे, अब धीरे धीरे हजारों की संख्या में बच्चे आएंगे, धीरे धीरे हमारे जितने पालक हैं सब अपने अपने बच्चों को लाएंगे और सब हड़ताल में शामिल करेंगे, स्कूल नहीं पहुंचाएंगे। अगर स्कूल नहीं बना तो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं। वहीं इस मामले में जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला का कहना है कि विकासखंड समनापुर के लिए सीएम राइज स्कूल खोला जाना था, जिसके लिए पहले खुड़िया गांव का चयन किया गया था, पर स्कूल के लिए आवश्यक शासकीय भूमि नहीं मिलने पर विकासखंड समनापुर के ही गांव मानपुर में स्कूल खोलने की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें जल्द ही स्कूल का काम शुरू हो जाएगा। ये हमको नहीं पता है, भोपाल जा रहे हैं माननीय तत्कालीन कलेक्टर महोदय, अपर कलेक्टर महोदय दोनों संयुक्त रूप से राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हैं। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशन में जमीन का चयन किया, जब चयन किया गया सभी ग्रामीणवासी माननीय जनप्रतिनिधि थे, उस समय माननीय प्रभारी मंत्री महोदय भी आए हुए थे भाकामाल में, और ये निश्चय किया गया था कि यहाँ पानी है, रोड है और स्कूल का एक्सपोजर है, यहाँ बनाने से सुविधा होगी, क्योंकि डिंडोरी जिले की भौगोलिक स्थिति इस तरह से है कि एरिया जरूर इधर से उधर दिखता है, लेकिन जंगली एरिया है, उधर स्कूल नहीं, इस पोर्शन में स्कूल है, तो बच्चों को आने जाने में कल बस की भी सुविधा होगी, विशेषकर जो डिंडोरी में पानी की समस्या होती है, तो जो खुड़िया है और अमरपुर है दोनों नाला और रोड के दृष्टिगत बिजली इससे चयन करके किया गया है, और हर समय टीएल में समीक्षा लेके और इसकी प्रभारी मंत्री से बैठक लेके जमीन का चयन किया गया है। अब आज की डेट में जब राज्य शासन से TS AS हो के काम चालू हुआ कर रहे हैं, फिर भी आज तक कोई जमीन नहीं दिया, जो राजस्व से जमीन मिली है वही चयन होके गया राज्य शासन में। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।